हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक पेज कैसे बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में, वो भी मोबाइल से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से फेसबुक पेज बना करके अपनी वीडियो डाल करके वहाँ से किस तरह से लोग अर्न करते हैं। मैं आपको वहाँ से अर्न करना सिखाने वाला हूँ कि आप अपना फेसबुक पेज बना करके भी वहाँ से अर्न कर सकते हैं। जैसा आप यूट्यूब पर वर्क कर रहे हो, ऐसे ही आप फेसबुक से भी कमा सकते हो। तो फेसबुक पेज से भी आप अर्निंग कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म के, जो भी जिस भी नीश का आपका चैनल है या आप कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हो या आप कुछ चीज़ सिखाना चाहते हो। तो भाई आप अपने जैसा छोटे छोटे कोर्स लॉन्च होते हैं वो भी दिखाना चाहते हैं लोग, तो चलता हूँ अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर लेकर के और मैं आपको दिखा देता हूँ कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। और मैं आपको कंप्लीट उस बारे में डिटेल में बताऊंगा कि भाई कैसे क्या उसका बेनिफिट होने वाला है। तो चलता हूँ अपनी मोबाइल की डिस्प्ले पर। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे मोबाइल की डिस्प्ले पर। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट होता है। तो ये मेरी फेसबुक आईडी है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इन थ्री लाइंस पर चलते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव्ड और उसके नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं पेजेस, और उसके नीचे रील्स, देन इवेंट्स एंड गेमिंग, गेम्स, जॉब्स एंड ब्ला 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 ब्ला, तो लॉट ऑफ मेन्यूज ओवर देयर। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर पेजेस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 अपने फेसबुक पेज बनाए हुए हैं, वो मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने बनाए थे। तो अब मैं आपको फेसबुक पेज क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो आप डिस्प्ले की राइट साइड में देख सकते हैं ऊपर की ओर यहाँ पे क्रिएट का आइकन्स बना हुआ है और साथ ही साथ एक प्लस का आइकन भी बना हुआ है। और आप इस आइकन पे प्रेस करोगे, तो मैंने प्रेस कर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक आर्टिकल्स लिखा हुआ मिल जाएगा, वो भाग गया, खैर उसको हम क्या ही दिखाएं आपको पढ़ के। यू कैन डू थिंग्स सच एज शोकेस प्रोडक्ट एंड सर्विस कलेक्ट, ये भी चला गया, इसको भी छोड़ो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इस पर प्रेस करोगे। तो मैंने इस पर प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद व्हाट डू यू वांट टू नेम दिस पेज, अब हमें जो अब पेज हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसका पेज का एक अच्छा सा नाम क्रिएट करना है। मतलब उसका नाम तो हमने पहले से ही अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अब उस नाम को हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं नीचे नेक्स्ट बना हुआ है और नेक्स्ट के बाद यहाँ पर 4 लेवल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका नाम रख देता हूँ ग्रो, ठीक है। इसके बाद जब मैंने ये लिख लिया उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे कैटेगरी पूछ रहा है कि मतलब आप ये जो आप पेज क्रिएट कर रहे हो ये आपका पेज किस कैटेगरी पर है। यहाँ पर आप नीचे कुछ टैग्स देख सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर कैटेगरीज दी हैं इन्होंने, पर्सनल ब्लॉग, ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, कैमरा फोटो एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पर इनमें से नहीं है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टैक्स रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, स्कूल, इंजीनियरिंग सर्विस, तो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। और अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे नेक्स्ट के नीचे जो पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा एंड चौथा, तो हमारे 2 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा पूरा एड्रेस मांग रहा है। डू यू वांट टू ऐड एन एड्रेस, दिस हेल्प पीपल फाइंड एंड विजिट द लोकेशंस ऑन वाउटे ग्रुप, मतलब ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल सकते हैं ताकि लोग आपके पास ईजिली से आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें, आपके लोकेशन पर पहुँच सकें। तो ये हम यहाँ पर डोंट वॉन्ट टू ऐड एन एड्रेस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है भाई किसी को अपने पास से बुलाने की या अपना कॉन्टैक्ट देने की। अगर जो हमसे कोई बात करना चाहेगा तो वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। तो हमारे 3 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा लास्ट रह गया है। अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना कवर फोटो, उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर। जब हम ये सब यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे तो हम यहाँ से इसको डन कर देंगे, मतलब एक हमारा पेज तैयार हो जाएगा। तो जब हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा तो मैं वाउटेक पे, क्योंकि वो तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाया था, तो मैंने यहाँ पर वाउटेक का ऑलरेडी एक पेज बनाया हुआ है।
आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। ये मैंने यहाँ पर कवर फोटो लगाया हुआ है जुनेद भाई का और अपना, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना लोगो लगाया हुआ है। लोगो लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपनी रील्स भी इसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर जैसे पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर अपनी आप इमेज भी डाल सकते हो, कैमरा भी आप डायरेक्ट कैमरे से रिकॉर्ड करके डायरेक्ट वीडियो इसमें अपलोड कर सकते हो। आप नीचे देख सकते हो फोटो, वीडियोज, बैकग्राउंड कलर्स, लाइव वीडियोज, क्रिएट जॉब, गेट मैसेंजर्स एंड गेट व्हाट्सएप मैसेंजर, चेक इन, फिलिंग एक्टिविटीज, क्रिएट इवेंट्स, GIF, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। जो भी आप यहाँ पर पोस्ट डालोगे वो आपकी पब्लिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पर कुछ वीडियोस डाली हुई हैं। और भाई अगर आप यूट्यूब पर, यूट्यूब के साथ साथ अगर आप इस पे भी फेसबुक पर भी पेज बना ले तो भाई यहाँ से भी आपको अच्छा खासा रीच मिलेगा। और जब आपकी वीडियोस पर रीच आएगा तो भाई यहाँ पर भी आपके मोनेटाइज हो जाएगा। तो जैसा यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है, उसको 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं 365 दिन के अंदर विदाउट एनी स्ट्राइक पर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो इसी तरह फेसबुक के अंदर भी है, अगर आप फेसबुक पेज क्रिएट करते हो और अगर और आपके 10,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं तो भाई पेज को मोनेटाइज कर दिया जाता है, आपके वीडियोस पर ऐड आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो पेज से भी। अपने पेज पर अच्छे अच्छे वीडियोस डालो, अच्छे अच्छे चीज़ें डालो आप, तभी आपके पेज पर अच्छा रीच आएगा। और अभी मैं आपको कुछ पेज दिखाने वाला हूँ जो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं भाई। तो ये मैं आ चुका अपने मेन मेन्यू में और यहाँ पर सेकेंड वाले आइकन पर मैं क्लिक कर चुका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई लोगों ने अपने पेजेस बनाए हुए हैं और वीडियोज उस पर अपलोड की हुई हैं और उस पर अच्छा खासा रीच जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरोज नाउ, इनके आप व्यूज़ देखो भाई, 43 मिलियंस व्यूज़ हैं। आप देख सकते हो आप कितना ये अर्न कर रहे होंगे। टी सीरीज़ वालों का देख लो भाई, अच्छा खासा भाई। इसी तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हो। ये है राघव का, राघव ने भी भाई इसके भी तगड़े फॉलोवर्स हो रहे हैं भाई, ये भी अच्छा खासा खींच रहा है भाई इससे। तो भाई इसी तरह आप अपने चैनल, जो भी आपका नीश है, आप अपने नीश के अकॉर्डिंग फेसबुक पेज बनाओ, उसी से रिलेटेड उस पर वीडियो डालो और अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करो जिससे जो आपकी वीडियोस को देखना पसंद करती है। क्योंकि भाई सबसे मेन बात होती है कि ऑडियंस अपनी बनाना, जो मतलब आपका जो कंटेंट है उससे रिलेटेड आपको ऑडियंस लाना, ये बहुत टफ टास्क होता है। लेकिन टफ कुछ भी नहीं होता, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भाई हर चीज़ आसान लगने लगती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।